चुनाव में पार्टी से लेकर उम्मीदवार तक, देश से लेकर गांव तक, हर जगह एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है और पार्टी से लेकर उम्मीदवार तक अपने विरोधी को मात देने के लिए सोच रहा है। ऐसा ही कुछ गोरखपुर में भी हो रहा है, जहां पर सपा बसपा गठबंधन से लेकर कांग्रेस तक योगी को मात देने के बारे में सोच रहा है। इसीलिए बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर में वापसी की राह देख रही कांग्रेस ने एक बार फिर यहां पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। कांग्रेस ने यहां से मधुसूदन तिवारी को टिकट दिया है। मधुसूदन तिवारी का मुकाबला यहां पर बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार रवि किशन शुक्ला और सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार राम भुआल निषाद से है। पेशे से वकील मधुसूदन तिवारी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं। कांग्रेस इससे पहले जब आखिरी बार गोरखपुर सीट जीती थी, तब ब्राह्मण उम्मीदवार मदन पांडे ने जीत हासिल की थी। मदन पांडे 1984 के चुनाव में इस सीट से जीत हासिल करने वाले आखिरी कांग्रेसी थे। कांग्रेस ने इससे पहले भी गोरखपुर से ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से अष्टभुजा प्रसाद त्रिपाठी को टिकट दिया था। हालांकि मोदी लहर में वो कोई कमाल नहीं कर सके और 45,719 वोटों के साथ चौथे स्थान पर थे। इससे पहले 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने निषाद वोट बैंक को साधने के लिए निषाद उम्मीदवार पर दांव चला, लेकिन उसका दांव इस बार भी फेल रहा। इस बार लालचंद निषाद 30,262 वोटों के साथ चौथे स्थान पर थे। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने शरदेंदु पांडे को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस का ब्राह्मण दांव इस बार भी फेल रहा और शरदेंदु पांडे 33,477 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। पिछले कुछ चुनावी नतीजों को देखें तो मधुसूदन तिवारी के सामने कांग्रेस को यहां पर चौथे स्थान से ऊपर लाने की चुनौती होगी, क्योंकि 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में पार्टी हर बार चौथे स्थान पर ही रही है। इनमें से दो चुनावों में तो उसका ब्राह्मण दांव भी फेल रहा था। ऐसे में इस बार देखने वाली बात होगी कि मधुसूदन तिवारी क्या कमाल कर सकते हैं। वो बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला का खेल बिगाड़ते हैं या फिर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल निषाद की राह रोकते हैं।